फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म पे, मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज पे, जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है। तो देखो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कीटोन बॉडीज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली टोटल 3 कीटोन बॉडीज होते हैं। कौन कौन से, तो देखो कौन कौन से कीटोन बॉडीज होंगे, एक होगा एसीटोन, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर एसीटोन, सेकंड वन इज योर एसीटोएसिटेट एंड थर्ड वन इज योर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ठीक है। अब इन दोनों में से भी क्या होता है ना कि जो फर्स्ट एंड सेकंड जो है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एसीटोन एंड एसीटोएसिटेट आर द ट्रू कीटोन बॉडीज बिकॉज दे कंटेन कीटो ग्रुप, ठीक है। वाइल थर्ड वन डजंट हैव द कीटो ग्रुप, दैट्स वाई इट इज नॉट द, मतलब कह सकते हो ट्रू कीटोन बॉडीज इसको नहीं बोलते। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को हम लोग थर्ड कीटोन, जो तुम्हारा ट्रू कीटोन बॉडीज है वो नहीं उसको बोलते, ठीक है। तो देखो अब इसमें भी क्या होता है ना कि देखो एसीटोएसिटेट जो होता है, एसीटोएसिटेट जो सेकंड वन है वो क्या करता है कि वो इस दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एसीटोन को ही प्रोड्यूस कर रहा है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फर्स्ट और थर्ड दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट्स वाई जो तुम्हारा ये फर्स्ट एसीटोएसिटेट इज द प्राइमरी कीटोन बॉडीज। प्राइमरी कीटोन बॉडीज क्यों बोल दिया, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारे फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है, फर्स्ट को ही प्रोड्यूस कर रहा है एंड थर्ड को ही प्रोड्यूस कर रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो तुम्हारे फर्स्ट को ही प्रोड्यूस कर रहा है और थर्ड को ही प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट्स व्हाई एसीटोएसिटेट इज द प्राइमरी कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो ये आपको जानना हो कि कीटोन बॉडीज, क्योंकि वाइवा वगैरह हम डायरेक्ट आपसे इतना ही पूछते हैं कि बताओ नेम द कीटोन बॉडीज, तो आपको एसीटोन, एसीटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बोलना है, ठीक है। उसके बाद देखो एसीटोएसिटेट आर द फर्स्ट वन, मैंने बता ही दिया, सिंथेसाइज अदर टू, सो द रेस्ट आर कॉल्ड द सेकेंडरी कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, एनर्जी एंड, मतलब क्या हो, ये वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाएंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज कीटोजेनेसिस, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस कैसे होता है, मतलब हाउ कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन, कीटोजेनेसिस व्हाट, हाउ कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द साइट्स वेयर कीटोन बॉडीज फॉर्म, ठीक है। सो द मेन साइट ऑफ द कीटोन बॉडी वेयर इट फॉर्म द लीवर, लीवर इज द साइट वेयर कीटोन बॉडीज फॉर्म, मतलब लीवर में कीटोन बॉडी बनेंगे। इंजाइम्स ऑफ द कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन, मतलब जो इंजाइम्स जरूरत होते हैं कीटोन बॉडीज के, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। एंड द एसिटाइल कोएंजाइम ए, जब आप लोग अभी आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए ही जो है वो क्या बना रहा है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो हमारा पिछला जो वीडियो था मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में, दैट इज द व्हाट, दैट इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो वही बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के होने से जो हमने कराया था, तो एसिटाइल कोए बना था, ए सी का मतलब है एसिटाइल कोए प्रोड्यूस हुआ था। सो दैट एसिटाइल कोए इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज। तो चलो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ओके। नाउ द स्टेप्स ऑफ द कीटोन बॉडीज, देखो स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देखो स्टेप्स आर लाइक, तुम देख सकते हो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टू मोल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, देख रहे हो दो एसिटाइल कोए, तो इसको बोल दिया टू मोल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंस टू फॉर्म एसिटो एसिटाइल कोए। तो ये दो कार्बन कंपाउंड क्या बनाएगा, फोर कार्बन, और ये रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द थायोलेज एन एंजाइम, यही इंजाइम जो हमने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा था उसके फाइनल स्टेप में आया था ये, ठीक है। तो दैट इज द थायोलेज इंजाइम, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय द थायोलेज इंजाइम, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुमको पता होना चाहिए कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए इज कंबाइंड विथ इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज इट फॉर्म्स द एसिटो एसिटाइल कोए द फोर कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, नाउ द एसिटो एसिटाइल कोए इज अगेन कंबाइनिंग विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए के साथ फर्दर ये कंबाइन होता है एसिटो एसिटाइल कोए, मतलब देखो ये फोर कार्बन कंपाउंड या टू कार्बन कंपाउंड, मतलब टोटली सिक्स कार्बन कंपाउंड बनेगा विद द हेल्प ऑफ द इंजाइम एच एम जी कोए सिंथेस दैट रेगुलेट्स द कीटोजेनेसिस। एच एम जी कोए सिंथेस क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है कीटोजेनेसिस को। तो एसिटो एसिटाइल कोए दो मॉलिक्यूल कंपाउंड एसिटाइल कोए के साथ कंबाइन करता है, देन इट फॉर्म्स द एच एम जी कोए। एंड वॉट इज एच एम जी कोए, दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरिल कोएंजाइम ए। तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो एच एम जी कोए का फुल फॉर्म पूछते हैं वाइवा वगैरह में, ठीक है, डायरेक्ट की बताओ एच एम जी कोए का फुल फॉर्म क्या होगा, देन यू आस्क लाइक दैट बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरिल कोएंजाइम ए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नीड टू रिमेंबर इट, ओके। नाउ द एच एम जी कोए, तो एच एम जी कोए को तो प्रोडक्शन हमने करा लिया था एसिटो एसिटाइल कोए को कंबाइन करा के, किससे, एसिटाइल कोए को हमने एसिटाइल कोए से कंबाइन। नाउ द अब देखो, अब कोए आ चुका है, अब तुम्हारा देखो अब सॉरी एच एम जी कोए इज फर्दर कन्वर्टेड इंटू द फोर कार्बन कंपाउंड, दैट इज दी, दैट इज दी व्हाट, दैट इज दी
दैट इज़ दी एसीटो एसीटेट। मतलब अब क्या होता है कि इसमें से एसिटाइल कोए को रिमूव करते हैं हम लोग, एचएमजी कोए में से एसिटाइल कोए को रिमूव करते हैं। तो इसमें कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है? एचएमजी कोए लाइज, मतलब एचएमजी कोए लाइज कम्स टू द एक्शन एंड क्लीव्स द एचएमजी कोए इनटू द एसिटाइल कोए एंड एसिटो एसिटेट। मतलब एचएमजी कोए लाइज क्या कर रहा है? एचएमजी कोए को क्लीव कर रहा है, ठीक है। क्लीव करके क्या प्रोड्यूस बना रहा है? पहला प्रोडक्ट बन रहा है एसिटाइल कोए, सेकेंड प्रोडक्ट इज द एसिटो एसिटेट। तो एसिटो एसिटेट इज द फोर कार्बन कंपाउंड। ओके, नाउ एसिटो एसिटेट जो होता है दैट अंडरगोज अ स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन। स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ सीओ टू स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। सीओ टू का रिमूवल करेगा, मतलब देखो एसिटोन इज वॉट, देखो एसिटो एसिटेट इज अ फोर कार्बन कंपाउंड, एसिटोन इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड। बिकॉज वॉट? एक कार्बन, एक CO2 से के नाम पे एक कार्बन तो बाहर निकल गया, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। और एसीटोन क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में रहता नहीं है, ये हमारे बॉडी से क्या होता है एक्सेल होके बाहर निकल जाता है लंग्स के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसीटोन इज नॉट टेक प्लेस इन आवर बॉडी, इट विल रिमूव फ्रॉम बाय द लंग्स। ओके, नाउ एसिटो एसिटेट एक और पाथवे फॉलो करता है, ठीक है। एसिटो एसिटेट जो होता है वो एक और पाथवे फॉलो करता है, ये रिड्यूस होता है बाय द इंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ द इंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। देखो BUTY का मतलब है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये क्या करता है? ये तुम्हारा रिड्यूस होता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इन दिस स्टेप NADH इज यूज्ड, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द तुम्हारा, दीज आर दी स्टेप्स ऑफ द कीटोजेनेसिस, दीज आर द बेसिकली मेन स्टेप्स ऑफ द कीटोजेनेसिस। तो आपको ये जो कीटोजेनेसिस के मैंने फर्स्ट और सेकेंड पेज आपने देखा है, दैट इज द मेन स्टेप्स जो हमने कवर कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, तो थर्ड हेडिंग इज द यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, हाउ कीटोन बॉडीज यूटिलाइज। तो देखो हमने कीटोन बॉडीज को प्रोडक्शन करा दिया, सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था इसमें क्या पढ़ा कि हमने कीटोन बॉडीज के बारे में जाना कि होता क्या। उसके बाद आपने कीटोजेनेसिस पढ़ा कि हाउ कीटोन बॉडीज विल फॉर्म्ड, हमने वो भी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ने हाउ कीटोन बॉडी विल यूटिलाइज, यूटिलाइज कैसे होगा? तो देखो वाटर सॉल्यूबल होने के कारण ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर से बहुत सारे टिश्यूज में। देखो अब हमको पता है ये बनता है लीवर में ही, लेकिन ये लीवर में यूटिलाइज नहीं होता है बिकॉज वहाँ पे एक एंजाइम अब्सेंट होता है, दैट इज नोन एज द थायोफोरेज। थायोफोरेज एक एंजाइम है जो क्या होता है लीवर में नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दैट थायोफोरेज इट इज नॉट यूटिलाइज इन द लीवर, इट इज यूटिलाइज इन द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, मतलब जो लीवर के अलावा जो भी टिश्यूज होंगे वहाँ पे ये यूटिलाइज होता है। सो ठीक है, बींग वाटर सोल्यूबल इट इज इजली ट्रांसपोर्टेबल फ्रॉम लीवर टू वेरियस टिश्यूज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। तो वाटर सोल्यूबल होने के कारण क्या होता है, ये आराम से मूव हो जाता है। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी एंड देयर यूटिलाइजेशन बिकम मोर सिग्निफिकेंट व्हेन ग्लूकोज इज इन शॉर्ट सप्लाई टू द टिश्यूज एज ऑब्जर्व इन द स्टार्वेशन एंड डायबिटीज मेलाइटस। देखो कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन और उसका यूटिलाइजेशन जो होता है दैट इज मोर सिग्निफिकेंट। देखो हम तुमने प्रोडक्शन तो हो रहा है बॉडी में और उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, वो सिग्निफिकेंट कब होता है? जब ग्लूकोज की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज ही होता है मेन एनर्जी। बॉडी में जो ग्लूकोज होता है दैट इज द मेन एनर्जी नीड, EN इज द एनर्जी नीड फॉर द बॉडी। बट अगर ग्लूकोज की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, देन वी लीड टू, मतलब हमको क्या करना पड़ता है, कीटोन बॉडीज एनर्जी के तौर पे लेते हैं, हम लोग यूज करते हैं एनर्जी के तौर पे। तो इसलिए इसका जो यूटिलाइज होता है वो बेसिकली तभी मेनली होता है जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम, और वो कब कब ग्लूकोज की लेवल कम होता है, बेसिकली स्टार्वेशन और डायबिटीज मेलाइटस के केस में, ठीक है। चलो ठीक है, अब ठीक है। तो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज। तो सेल्स को क्या होते हैं ना, ग्लूकोज की लेवल कम मिलती है उस टाइम ब्लड में ग्लूकोज की लेवल। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनको ये लगेगा कि डायबिटीज मेलाइटस बोल रहे हैं तो उसमें तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, नहीं, तो वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। तो इंसुलिन क्या करती है, जो ब्लड में ग्लूकोज, इंसुलिन का काम क्या, जो ब्लड की ग्लूकोज लेवल है उसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराना इंसुलिन का काम है। तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कराना। तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे डिक्रीज कराती है इंसुलिन, ये जो ग्लूकोज होता है उसको सेल्स में भेजती है। तो जब सेल्स के अंदर स्टार्वेशन के टाइम पे और डायबिटीज मेलाइटस के टाइम पे क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ग्लूकागॉन जो होता है, ग्लूकागॉन का काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। तो ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है कीटोजेनेसिस, मतलब कीटोन बॉडीज के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है,
क्यों? क्योंकि जब ब्लड ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो सेल्स में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। देखो दो अलग चीज़ है, दैट इज ब्लड, इसको हमने ब्लड लिखा और कलर चेंज करके हम लोग लिख देते हैं, सॉरी एक मिनट, दिस, तो हमने ये सेल लिया, ठीक है, दिस इज योर सेल। तो देखो ब्लड में ग्लूकोज ग्लूकागॉन बढ़ाता है और सेल में ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन बढ़ाता है, तो क्योंकि यही ब्लड का ग्लूकोज तो इंसुलिन सेल के अंदर डाल देता है, तो दैट इज द बेसिक कंडीशन कि डायबिटीज मलाइटस में ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया लेकिन सेल्स में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो इसी केस में क्या होता है ना, कीटोन बॉडीज हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है फॉर द एनर्जी पर्पस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब देखो तो प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, अगर लंबे टाइम तक स्टार्वेशन वाली केस अगर रह जाती है लंबे टाइम तक तो क्या होगा, वन मिनट को शुड मेक यू स्मूथ, ठीक है, लंबे टाइम तक अगर ये तुम्हारा प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन रह जाएगा फॉर द ब्रेन एंड द पार्ट ऑफ सीएनएस, तो कीटोन बॉडी इज द मेजर फ्यूल, मतलब वही एनर्जी मैंने बताया ना आपको, कीटोन बॉडी वहाँ पे एनर्जी का काम करेगा। कीटोन बॉडी इज, कीटोन बॉडी क्या कर रहा है, सॉरी कीटोन बॉडीज करीब 50-70% ऑफ द ब्रेन एनर्जी रिक्वायरमेंट देता है, ठीक है। एडेप्टेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फूड डिप्रेवेशन, मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो बॉडी में क्या होता है कि तुम्हारा जो फूड डिप्रेवेशन, उस टाइम जब फूड की लेवल कम हो जाती है, खाना नहीं उतना पर्याप्त लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता बॉडी के अंदर, तब तुम्हारा क्या होता है, कीटोन बॉडी इज द मेजर रोल प्ले करता है, 50-70% ऑफ द ब्रेन का एनर्जी को काम करता है। तो देखो अब हमने देखा यूटिलाइजेशन के बारे में, ठीक है, यूटिलाइजेशन के बारे में, नाउ द स्टेप्स ऑफ कीटोलाइसिस, कीटो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कीटोलाइसिस का मतलब हुआ यहाँ पे कीटोन बॉडीज का ब्रेकडाउन, अब ये कैसे हमारे बॉडीज में यूटिलाइज हो रहा है, वी नीड टू नो कि कैसे यूटिलाइज हो रहा है। तो देखो सबसे फर्स्ट स्टेप इज योर द कीटोलाइसिस के, दैट इज योर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इज द फर्स्ट कन्वर्टेड टू एसिटो एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटो एसिटेट में, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम वॉट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजन, इन दिस स्टेप NADH इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद क्या हुआ, नाउ द एसिटो एसिटेट इज एक्टिवेटेड टू, एसिटो एसिटेट इज एक्टिवेटेड टू एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोफोरेज, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंजाइम, MM एंजाइम इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंजाइम, ठीक है। नाउ द कोएंजाइम ए इज डोनेटेड बाय द सक्सिनाइल कोए, तो देखो एसिटो एसिटेट जो है वो क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अपना जो ये कोएंजाइम ए है वो दे देता है किसको, एसिटो एसिटाइल को, एसिटो एसिटाइल को दिया तब ना एसिटो एसिटाइल कोए बना, तो ये बिकॉज ऑफ किस एंजाइम, ये दिस एंजाइम थायोफोरेज के कारण हुआ। तो एसिटो एसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंजाइम दैट इज द थायोफोरेज, ये कहाँ एब्सेंट होता है, लीवर में एब्सेंट होता है, एब्सेंट कहाँ होगा, लीवर में एब्सेंट होगा, तो मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। नाउ द एसिटो एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज, देखो थायोफोरेज एंड थायोलेज बोथ आर डिफरेंट एंजाइम, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। तो थायोलेज क्या करता है, एसिटो एसिटाइल कोए को कन्वर्ट करता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए। तो देखो हमको पता है जब हमने बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड पढ़ा था तो एक एसिटाइल कोए जब क्रेब साइकिल में इंटर करता है तो ये 10 ATP बनाता है, इस तरह से दो इंटर करेगा तो क्या होगा, 20 ATP बनेंगे, टोटल 20 ATP बन रहा है ना, और आपको पता है कि एक NADH जो है वो क्या करेगा, वो जो ये 2.5 ATP है, दैट इज वन इज कमिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम द NADH2, आप यहाँ पे देख सकते हो एक NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, और ये अगर ETC में जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो आपको पता है ये 2.5 ATP देता है, ठीक है, 2.5 ATP देता है, तो ये 2.5 ATP टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल 20, आप लोग देख सकते हो ये 20 हो गया, दैट इज द 20 प्लस 2.5 दैट इज द 22.5, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ओके। सो ये हमने पूरे बेसिस डिस्कस किया कि हमने कीटोलाइसिस कैसे होती है, कीटोजेनेसिस कैसे होती है, सब पर। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन, नेक्स्ट होगा हमारा ओवर प्रोडक्शन, अगर कीटोन बॉडीज का होगा तो कैसे होगा, ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। नाउ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज, तो देखो कीटोन बॉडीज ओवर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो नाउ द कंसेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड इज अराउंड 1 mg/dL, तो ये इसका 1 mg/dL इसका कंसेंट्रेशन होता है। इफ द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज, अगर रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट कर जाए द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन द कंसेंट्रेशन इन द ब्लड इज इंक्रीज, तो देखो हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे बॉडी में जितना कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो रहा था उससे ज्यादा कीटोन बॉडीज क्या होने लगे, उससे ज्यादा यूटिलाइजेशन का रेट इंक्रीज हो जाए, मतलब ठीक है, देखो मेरा मिस्टेक हो गया, मैंने कहने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडी जो सिंथेसाइज हो रहा है वो ज़्यादा होने लगे बट तुम्हारे बॉडी में उसको यूटिलाइज कम हो जाए, देखो एस फॉर सिंथेसाइज इंक्रीज हो जाए और यू फॉर यूटिलाइज डिक्रीज हो जाए,
तो व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या होता है कि कीटोन बॉडीज का एक्युमुलेशन हो जाए कहाँ पे, ब्लड में, एंड दैट इज लीड टू द एक केस आता है, दैट केस इज नोन एज द कीटोनेमिया। कीटोनेमिया में यही होता है कि कीटोन बॉडी का सिंथेसिस बढ़ जाता है बट उसका जो तुम्हारा यूज़ है हमारे बॉडी में वो कम हो जाता है, दैट इज द कीटोनेमिया। अगर वही कीटोन बॉडीज यूरिन के थ्रू बाहर आता है दैट इज द कीटोन्यूरिया। नाउ द कलेक्टिवली कीटोनेमिया एंड कीटोनेरिया इज नोन एज द कीटोसिस, कीटोसिस बोलते हैं उसको हम लोग। तो हम उसके बाद बात कर रहे हैं कि कीटोसिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्टार्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। तो हमने क्या बोला कि कीटोसिस जो है वो किससे एसोसिएटेड है, दो चीज से एसोसिएटेड है, फर्स्ट वन इज द स्टार्वेशन, सेकेंड वन इज द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। तो देखो हमने पहले ही बात किया था स्टार्वेशन के टाइम पे क्या होता है कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डिफिशेंसी हो जाती है यानी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो ग्लूकोज का लेवल कम हो तो अभी सीधा सीधा बात है कीटोन बॉडीज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ग्लूकोज लेवल कम तो कीटोन बॉडीज ज्यादा प्रोडक्शन, तो कीटोन बॉडीज ज्यादा प्रोडक्शन होगा तभी तो कीटोन्यूरिया केस आ सकता है, चाहे कीटोनेमिया केस आ सकता है। तो ये दोनों केस इससे रिलेटेड है। उसके बाद हमने डायबिटीज मेलाइटिस में भी देखा था कि ग्लूकोज का लेवल सेल्स में क्या होता है, कम हो जाता है। अगर ग्लूकोज का लेवल सेल्स में कम हो जाता है तो कीटोन बॉडीज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, कीटोन बॉडीज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो ये दोनों केस वापस से होगा, कीटोन्यूरिया और कीटोनेमिया। तो अगर यही दोनों कंडीशन को साथ में हम लोग कीटोसिस बोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपका बात क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अब देखो स्टार्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, स्टार्वेशन क्या होता है, तो देखो ड्यूरिंग स्टार्वेशन इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड। जैसे ही स्टार्वेशन का टाइम आता है फैटी एसिड का डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाता है, मतलब फैटी एसिड ज़्यादा डिग्रेड करने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखो, क्योंकि हमने बताया आपको बिकॉज हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट लेवल कम हो गया, तो बॉडी फैट से अपना एनर्जी को सब फुलफिल करेगा। तो देखो अगर फैटी एसिड ज़्यादा डिग्रेड होंगे तो एसिटाइल कोए ज़्यादा बनेगा। आपने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड देखा है, आपको पता है कि फैटी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो एसिटाइल क्या होगा। अब ओवर प्रोडक्शन अगर एसिटाइल कोए का होगा तो दैट इज नॉट हैंडल्ड बाय द टीसीए साइकिल, ये टीसीए साइकिल को हैंडल नहीं हो पाया, सो दैट इज द इंपेयरमेंट, यहाँ पे टीसीए साइकिल इंपेयर हो जाएगा, सो दैट विल लीड टू द अमीनो एसिड डिफिशियंसी। अमीनो एसिड क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे अमीनो एसिड, वन मिनट, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, अमीनो एसिड नहीं, दैट इज द ओएए है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सिलो एसिटेट की डिफिशियंसी होगी, नॉट अमीनो एसिड, इट्स ऑक्सिलो एसिटेट की डिफिशियंसी। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या बोला कि एसिटाइल कोए ओवर प्रोडक्शन, एसिटाइल कोए कहाँ जाता है, टीसीए साइकिल। अब टीसीए साइकिल में वो हैंडल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोए हो गया। और क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि देखो ऑक्सिलो एसिटेट जो होता है ना, दैट इज वो एसिटाइल कोए का ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है, टीसीए साइकिल में, और वही फाद में जाके एटीपी प्रोड्यूस करता है, लेकिन नहीं हो पाए, ऑक्सिलो एसिटेट ही नहीं रहेगा उतना सफिशियंट अमाउंट में। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलो एसिटेट को जाना है ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के सिंथेसिस कराने के लिए, ये डाइवर्ट हो जाता है, सॉरी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिलो, यहाँ ओएए है, वो मिस्टेक से ए रह गया, नोट्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, ओएए है, दैट इज द ऑक्सिलो एसिटेट, ठीक है। तो ये ऑक्सिलो एसिटेट क्या हो जाता है, दैट इज रियली गुड फॉर द ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए चला जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोए हैंडल नहीं कर पाता। अब देखो अब एसिटाइल कोए को हैंडल नहीं कर पाएगा तो एसिटाइल कोए क्या बना देगा, कीटोन बॉडीज। आपको पता है कि एसिटाइल कोए कीटोन बॉडीज कैसे बनाता है, हमने कीटोजेनेसिस पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो अब वही अगर डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो इसमें क्या होगा, इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी। इंसुलिन की डिफिशियंसी से क्या होगा, इंपेयर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आपको पता है इंसुलिन की डिफिशियंसी है तो तुम्हारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, सेल्स में कम होगा। और ऐसा क्यों होगा इंसुलिन की डिफिशियंसी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगा तभी। तो अगर देखो ऐसा होगा तो फिर हमने बताया था कि आपको लिपोलाइसिस, लिपिड्स की ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। तो अगर लिपिड मतलब क्या, फैट हो गया एक तरह से, तो फैट की ब्रेकडाउन हो गई तो क्या हुआ, फिर से कीटोन बॉडीज की क्या होगा, ज़्यादा एक्युमुलेशन होने लगेगा। तो ये बेसिक बातें थी डायबिटीज मेलाइटिस है। तो मैंने इसको फ्लो चार्ट में इसलिए लिया है कि अगर आप एग्जाम में ऐसे ही बनाते हो तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप इस बात पूरी बातों को लैंग्वेज बना के लिखते हो तो भी अच्छा है, बट आपको याद रखने के लिए इससे आसान होगा, ठीक है। अब नाउ द लास्ट टॉपिक हमारा, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक इज द रेगुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो देखो कीटोन बॉडीज रेगुलेटेड मेनली एट द थ्री स्टेज, मेटाबॉलिक तीन ही स्टेज में रेगुलेट करते हैं। आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं हाउ कीटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड, तो आप ऐसे बोल सकते हो सर बिकॉज फर्स्ट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्री फैटी एसिड, सेकंड इज द CPT1 या इसको CAT1 भी बोल सकते हो। देखो आपने बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड देखा होगा, कार्निटिन पामिटिल ट्रांसफरेज 1 या कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1, बात एक ही है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिलो एसिटेट, दैट इज डिफिशियंसी इन द डायबिटीज मेलाइटिस एंड स्टार्वेशन केस। देखो इसमें आपको मैंने बताया है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्री फैटी एसिड, मतलब देखो फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन मतलब क्या कि फैट्स जो मूव करेंगे, अगर फैट्स ज़्यादा होंगे, फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे,
कीटोन बॉडीज, तो अगर इनकी मोबिलाइजेशन को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम कीटोन बॉडीज के लेवल को कम कर सकते हैं। उसके बाद देखो CAT1 या CPT1 का रोल क्या है, आपको मैंने बताया था जब हम लोग बीटाऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो असाइल कार्ड जो तुम्हारा एसाइल कोए था, एसाइल कोए दैट इज इम्परमिएबल टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो उसको हम लोग क्या करते थे, एसाइल कोए को कंबाइन करते थे, एक कार्निटिन नाम का एक केमिकल नेम था, केमिकल था, उससे कंबाइन करते थे, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एसी इज द असाइल कार्निटिन। वो एसाइल कार्निटिन परमिएबल होता था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो वही एसाइल कार्निटिन जाता था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सो जो एसाइल कार्निटिन है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चला जाता था। तो देखो बट अगर वो किस एंजाइम के हेल्प से, जो एसाइल कोए, ठीक है दिस इज योर एसाइल कोए दिट इज कम्बाइन विद सी फॉर कार्निटिन, ये कौन सा एंजाइम था यहाँ पे CPT1। तो लेकिन अगर CPT1 की डिफिशेंसी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा एसिटाइल तुम्हारा क्या होगा, फाइनली हम लोग क्या बना रहे थे बीटा ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल कोए, तो अगर यहीं पे हम लोगों ने रोक लगा दिया CPT1 को ही ख़त्म कर दिया, इसी को रोक दिया, तो सीधी सीधी बात है कि एसिटाइल कोए बनेगा नहीं, अगर एसिटाइल कोए नहीं बनेगा तो फाइनली तुम्हारा कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा उतना। नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलोसेट, अभी हमने बात किया था ऑक्सैलोसेट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा एसिटाइल कोए के साथ कंबाइन करके अब उसको क्रैब साइकिल में इंटर कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, जो कि बेसिकली देखने को मिलता है डायबिटीज मेलाइटस और स्टार्वेशन के केस में, तो वहाँ पे इसके प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सैलोसेट की डिफिशेंसी हो गई तो तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सैलोसेट की डिफिशेंसी अगर हो भी जाती है, डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा एसिटाइल कोए, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो बेसिक सी बातें थी, आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ कम टू द कीटो एसिडोसिस। देखो कीटो एसिडोसिस इंपॉर्टेंट थिंग कि एसिटो एसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीबूटेट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ पीके फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड अराउंड 4। देखो मैं आपको अभी जो कीटो एसिड, जब हम लोग एसिड बेस्ड डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है कीटो एसिडोसिस, ठीक है, सारे डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिडोसिस क्या होता है, अल्कलोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, ठीक है, सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। अभी आपको बस इतना जानना है कि एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सीबूटेरेट स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिनका पीके करीब 4 के अराउंड होता है। अगर इंक्रीज इन देयर, अगर एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सीबूटेरेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, दैट विल लीड टू द कॉज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस बाय डिसोसिएशन रिलीज H+ आयन। देखो आप इनके कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होंगे तो दैट विल लीड टू द डिसोसिएशन ऑफ H+ आयन डिसोसिएशन। सो तो यहाँ पे क्या होगा ना, इट विल लीड टू डिसोसिएशन एंड रिलीज ऑफ H+ आयन इज मोर। इफ यू नो ना, इफ H+ आयन इज मोर देन pH विल बी लो। अगर H+ ज्यादा हो जाएगा तो pH, तो H+ ज्यादा होने का मतलब क्या है, एसिडिक नेचर है, यानी pH कम होगा। और एक इंपॉर्टेंट सी चीज, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज फैटल, नॉट रिलेटेड टू द नॉट करेक्टेड। अगर ये फैटल होता है इफ इट इज नॉट करेक्टेड, अगर उनको नहीं करेक्ट किया जाए तो ये फैटल हो सकता है। अब देखो डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द कीटोसिस, कीटोसिस के जो डिफरेंट डायग्नोस्टिक, व्हाट आर द डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द कीटोसिस आर डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस एंड स्टार्वेशन, बोथ आर दी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द कीटोसिस। जस्ट लाइक पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट एंड रोथ्रास टेस्ट, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस जो होता है इट विल गिव द पॉजिटिव बेनेडिक्ट एंड पॉजिटिव रोथ्रास, बट द स्टार्वेशन कीटोसिस ठीक है, जो स्टार्वेशन कीटोसिस होंगे दैट इज फॉर्मिंग द बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव एंड रोथ्रास विल पॉजिटिव। तो यही आपकी इतनी ही थी मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज में। तो नाउ वी विल कंप्लीट योर कीटोन बॉडीज, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और डाउट पूछो और डाउट क्लियर करो, ठीक है, बट आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ कमेंट डाउन ऑल्सो लेक्चर आपको कैसे लग रहा है।